लॉकडाउन के टाइम अभी क्या करें? तो अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो फिलहाल हम लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, क्यों ना हम एक बहुत अच्छा प्लानिंग करके रखें। तो इसी प्लानिंग के साथ मैं आ चुका हूँ। आज भूटान के बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे और यस, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भूटान का टोटल प्रोसीड्योर क्या होगा अगर हम इंडिया से जाते हैं तो भूटान के लिए। यस, इंडिया से अगर जा रहे हैं, नॉट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज, ओनली फॉर इंडियन बाइकिंग कम्युनिटीज, इंडियन बाइकिंग कम्युनिटीज के लिए पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यस, बहुत सारा चीज़ें हैं जो चेंजेस हुआ है एंड डिलिबरेटली भूटान इज भूटान गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं चाहता है कि हम लोग वहाँ पर जाएं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था अगर आप लोग बहुत सारा सब कुछ जानता ही है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, मैं उसी बारे में नहीं जानते हैं। तो डायरेक्टली मैं भूटान में प्रोसीड्योर्स एंड भूटान प्लानिंग के बारे में जा रहा हूँ। सो एंड यस, उसके साथ ही कितना खर्चा आएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भूटान का ट्रिप बहुत ही कॉस्टली हो चुका है। और मैं ओवर द इंटरनेट गया, बहुत स्टडीज़ किया। मैं हालांकि पहले भी भूटान जा चुका हूँ और यस, बहुत चेंजेस है। मैं कुछ जॉट डाउन किया हूँ एंड आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं उसके साथ अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भूटान जाते हैं तो हाशिमारा बोल के एक जगह है, हाशिमारा से आपको जाना पड़ेगा। हाशिमारा है एक रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू भूटान जो इंडिया में पड़ता है, और लास्ट हम लोगों का इंडिया का बॉर्डर है जयगांव बोल के एक जगह है। एंड उसके बाद ही भूटान का जो नेक्स्ट जगह है वो है फुनसोलिंग। सो ये फुनसोलिंग भूटान का एंड जयगांव इंडिया का ये है बॉर्डर एरिया, इसके बीच में बॉर्डर एरिया है। आप एक स्टेप उधर रखेंगे फुनसोलिंग भूटान, एक स्टेप इधर आएंगे दैट इज इंडिया। ये है एक बेसिक आइडिया। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज हाशिमारा एंड मैं हाशिमारा में रह चुका हूँ, वहाँ पर मेरे काम के सिलसिले में गया था। उस टाइम पर मैं भूटान भी घूम के आया हूँ। इट्स अ फैबुलस प्लेस। एंड यस, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप भूटान ट्रिप कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल एंट्री नहीं मिलेगा भूटान में इन 2020। सिंगल एंट्री नहीं मिलेगा, आप एक गाड़ी में दो जन वो भी नहीं होगा, देयर मस्ट बी टू व्हीकल्स एंड दो व्हीकल में आप चार जन भी हो सकते हैं, दो व्हीकल में मिनिमम दो जन दो व्हीकल में जाना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड कम्स, आपको वहाँ पर फोर व्हीलर लेना ही पड़ेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत जन बोला है, बहुत जन ये क्लियर कर रहा है कि वहाँ पर हम लोग जाएंगे अकेला जाएंगे, ये वो नहीं। भूटान गवर्नमेंट हैज़ मेड इट अ मैंडेटरी ऑप्शन दैट आपको वहाँ पर फोर व्हीलर हायर करना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ ही एक और चीज़, एक गाइड आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम एक गाइड। एंड आपके हिसाब से अगर तीन आदमी रहेगा, दो आदमी रहेगा, एक आदमी तो होगा नहीं, 2%, 3%, 4% आपको एक छोटा सा गाड़ी लेना पड़ेगा। अगर आपका हेड बढ़ता है तो आपको उस हिसाब से बड़ा गाड़ी लेना पड़ेगा, यू हैव टू हायर अ बिग कार। जितना जाएंगे, जितना पर्सन बढ़ेगा उतना कार का लेंथ बढ़ेगा, कार का कैपेसिटी बढ़ेगा और खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चे के बारे में मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड इज कमिंग दैट आपको परमिट के लिए आपका दो दिन मैंडेटरी लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ है, एक है ह्यूमन परमिट, एक है व्हीकल परमिट। ह्यूमन परमिट अगर आप बना रहे उसके लिए एक दिन लगेगा ही। फुनसोलिंग में ही होता है थिम्पू एंड पारो, थिम्पू एंड पारो का परमिट आपको फुनसोलिंग में लेना पड़ेगा। एंड यस, उसके लिए एक दिन जाएगा, वन डे, टोटल वन डे आपका फुनसोलिंग में जाएगा, क्योंकि 9 बजे से पहले आपको गेट के अंदर जाना पड़ेगा। गेट में आप जा चुके, गेट क्लोज हो जाएगा 9 बजे के बाद, ना आप बाहर आ सकते हैं ना आप अंदर जा सकते हैं। एंड यस,
उसी दिन आपका व्हीकल परमिट नहीं होगा, लगभग शाम हो जाएगा आपको परमिट मिलते मिलते। सो डोंट कीप एनी अदर प्लानिंग फॉर दैट डे। हाँ, आप फुनसोलिंग थोड़ा बहुत घूम सकते हैं पैदल, और मेरे हिसाब से अगर जयगांव में रहते हैं या फुनसोलिंग में रहते हैं तो कोई बात नहीं है। फुनसोलिंग में थोड़ा कॉस्टली होगा आई थिंक, सो जयगांव में आपका कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा, चीपर होगा। फर्स्ट, सेकेंड डे आपको बाइक परमिट बनाने के लिए सुबह जाना पड़ेगा, लगभग आपको 1-1.5 बजे तक हो जाएगा आपका सारा काम, 2-3 घंटा लगता है। हाँ, ऐसा काम आपका नहीं होगा कि आप एक जन ह्यूमन परमिट के लिए चले गए, एक जन चले गए आपका व्हीकल परमिट के लिए, नो, इट्स रेस्ट्रिक्टेड। जो जो परमिट बनाएगा सब पर्सन को जाना पड़ेगा, नो एजेंट। एजेंट आप ले जा सकते हैं पर एजेंट के थ्रू आपका परमिट नहीं होगा, हैशटैग एजेंट में अभी परमिट नहीं होगा। आगे में जाके अगर चेंजेस कर सकता है भूटान गवर्नमेंट, थोड़ा लिबरल हो सकता है, पर आई डोंट थिंक सो अभी के लिए ऐसा होगा। नेक्स्ट कम्स द मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो है थिम्पू एंड पारो के लिए आपका हो गया, ठीक है। फॉर हा एंड चलेला, हाँ एंड चलेला, ये थिम्पू में आपको परमिट लेना पड़ेगा एंड उसके लिए अलग से और एक दिन। फिर टोटल आपका 3 डेज हो रहा है परमिट के लिए, 3 डेज फॉर द परमिट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीड्योर यार, 3 डेज। अगर आपका ट्रिप में 3 डेज परमिट के लिए जाता है एंड यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली, प्लान अकॉर्डिंगली। उसके साथ ही आता है कॉस्ट, में थोड़ा सा मैं इधर ही आपको बोल देना चाहता हूँ। कॉस्ट में आपका आता है पर डे, छोटा गाड़ी होगा तो 2,000 से 2,500, ठीक है, एवरेज 2,500 पकड़ के चलिए, 2,000 अगर आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं तो हो जाएगा 2,500 छोटा गाड़ी के लिए। जितना बड़ा होगा उतना आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, मैं मिनिमम में ही आपको ये कर रहा हूँ। उसके बाद 1,000 से 1,500 तक, 1,000 to 1,500 per day फॉर योर गाइड। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं आपका ड्राइवर को आप गाइड बना सकते हैं, और ये स्कॉट आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब गाड़ी एंड गाइड मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। इसका अलग से आपको भूटान का स्टे के लिए आपको होटल का कंफर्मेशन चाहिए। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात देख लीजिए, जब भी आप होटल बुकिंग कर रहे हैं फॉर भूटान, मेक श्योर आपका कैंसलेशन वहां पर रहेगा। ऐसा बहुत थी आंकड़ा है जहाँ पर कैंसलेशन नहीं हुआ है, मतलब कैंसलेशन है नहीं, वहाँ पर आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए, टूर में जा रहे हैं, 1-2 दिन इधर उधर हो ही जाएगा, जैसे तैसे ये होता ही है, सो यू आर वेरी मच नोन टू दैट, सो प्लान अकॉर्डिंगली। वैसा होटल लीजिए जहाँ पर कैंसलेशन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भूटान का करेंसी इंडिया का करेंसी, बहुत जगह भूटान का इंडिया का करेंसी भूटान में चलता है, एंड टू बी ऑनेस्ट पेट्रोल का कॉस्ट वहाँ पर थोड़ा सा कम है, एंड उसके साथ ही मेनली आप जब तक भूटान से निकल के आते हैं तब तक कोशिश कीजिए अप टू हाशिमारा, मैं जो बोला लास्ट आपका स्टॉपेज है हाशिमारा, वहाँ पर थोड़ा बहुत भूटान का इंडिया में पैसा चलता है, क्योंकि वह बॉर्डर जगह है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लेन देन हो जाता है, उसके बाद आपका वो नहीं चलेगा। सो मेक श्योर जितना भी आप पैसा नोट आपका चेंज करते हैं या फिर आपका कुछ भी आप वहाँ पर यूज़ करते हैं वो वहाँ पर एक्सपेंस करके वापस आइए, नहीं तो कुछ आपको रख देना पड़ेगा, पैसा आपको रख देना पड़ेगा, नहीं चलेगा उसके बाद में। हाशिमारा इज़ द लास्ट पॉइंट अप टू वेयर यू कैन यूज़ द भूटान करेंसी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके साथ ही है कि हर एक चेक पॉइंट पे आपको आपका एस्कॉर्ट गाड़ी एंड उसके साथ ही आपका जो ड्राइवर होगा या फिर आपका गाइड उसका जिक्र करेगा। रास्ते में भी कहीं पर भी आपको रोक के ये चेकिंग हो सकता है, एंड यस, अगर आपको किसी जगह पे ये पकड़ लिया विदाउट गाइड एंड विदाउट आपका एस्कॉर्ट व्हीकल, देयर इज अ हैवी फाइन, वो लोग बहुत ही हैवी फाइन कर रहे हैं, लगभग आप पकड़ के चलिए 10,000 का।
So make sure don't violate their laws. वो उन लोगों का लॉज है, उस कंट्री का लॉज है जो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. हाँ, एक चीज़ है, भूटान ट्रिप अभी बहुत कॉस्टली हो गया, क्योंकि अगर आप रफली लेंगे, रफली मैं बोल रहा हूँ, आप पकड़ के चलिए, आपका कॉस्ट हो जाएगा 2500 हो गया गाड़ी, 1500 में पकड़ के चल रहा हूँ आपका गाइड, और मतलब 3500 4000 उसी का है, ऊपर से आपका स्टे है 1000 और खाना 500, आप देख लीजिए पर डे है. और मैक्सिमम आप 7 डेज का परमिट वहाँ पर ले सकते हैं, नॉट मोर देन 7 डेज, मैक्स टू मैक्स अलाउड है अभी 7000 रुपीज़. एंड 40,000 to 50,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ हो जाएगा, इस बीच में आपका हो जाएगा फॉर 7 डेज इन भूटान. यस, नेक्स्ट जो चीज़ आता है वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान का कैलेंडर हिसाब से आप अपना टूर प्लान कीजिए, क्योंकि भूटान के कैलेंडर के हिसाब से वहाँ पर हॉलीडेज होता है. हॉलीडेज में आपको नहीं मिलेगा कुछ भी परमिट, नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, कुछ आप मतलब आपका डे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. सो मेक श्योर आप इंडियन कैलेंडर देख के आप वहाँ पर प्लान मत कीजिए. भूटानीज कैलेंडर गूगल में देख लीजिए, उस हिसाब से उसका हॉलीडेज छोड़ के आप वीकडेज में प्लान कीजिए अकॉर्डिंगली, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा. एंड मेनली अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक वहाँ पर बंद रहता है, सो अवॉइड दैट टाइम. नाउ द रोड कंडीशन ऑफ भूटान, रोड कंडीशन ऑफ भूटान इज टू गुड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. वहाँ का कॉर्नर बहुत सारा है, बहुत सारा कॉर्नर्स रहता है, ड्राइव वेरी केयरफुली. हॉन्किंग इज बैंडेड इन भूटान, हॉन्किंग आप वहाँ पर नहीं कर सकते, कुछ भी हॉर्न वहाँ पर देना अलाउड नहीं है. और ऊपर से अगर आप नो हॉन्किंग जोन में आप यूज़ कर लेते हैं, सो यू कैन बी हैवीली फाइंड. फाइन बहुत ज़्यादा हैवी होता है वहाँ पर. यस, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बाइकर्स, आप सैडल बैग नहीं यूज़ कर सकते. आप अगर हो सके आप अवॉइड ही कर दीजिए सैडल बैग यूज़ करना वहाँ पर. लगभग जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक शायद वहाँ पर सैडल बैग बंद भी हो चुका है. मैं कुछ दिन पहले का अपडेट लेके आपको बोल रहा हूँ कि सैडल बैग अलाउड नहीं था, अभी वो शायद अभी तक वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब तक वीडियो देख रहे हैं. तो अपना बैग पैक लीजिए एंड जितना भी हो सके आप अपना सामान कम करके जाइए. हाँ, एक चीज़ है, आप अगर ले जाते हैं, अगर आप बहुत ही दूर से आ रहे हैं, मानिए आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं या फिर नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं या फिर वेस्ट इंडिया से आ रहे हैं, सो एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप जयगांव में अपना होटल में बोल के आप रख सकते हैं, या फिर कुछ सामान आपका जो फोर व्हीलर आप हायर कर रहे हैं उसमें भी आप रख के ले जा सकते हैं. पर मैक्स टू मैक्स आपका लगेज रहेगा फोर व्हीलर में और आप वहाँ पर बाइक लेके जाएंगे, यह है वहाँ का कॉन्सेप्ट. सो सैडल बैग इज नो मोर अलाउड, मैं नो मोर अलाउड ही बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली, इसको मत फॉलो कीजिए नॉट अलाउड वर्ड, क्योंकि आई थिंक अवॉइड इज द मेन थिंग. अवॉइड कीजिए सैडल बैग यूज करना वहाँ पर, अवॉइड कीजिए. और नाउ कम्स विद द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बाइक आप कोशिश कीजिए अपना ही बाइक ले जाने के लिए. बाइक का 4 डॉक्यूमेंट्स, आपका पॉल्यूशन, आपका ओनर बुक, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपका इंश्योरेंस, ये 4 डॉक्यूमेंट्स इज मैंडेटरी. उसके साथ आप 2-3 कॉपीज अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइए, दैट्स ऑल. एंड आप वहाँ के बाइक भी रेंट कर सकते हैं, पर उस हिसाब से अगर आप वहाँ पर बाइक रेंट करते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू हायर ए गाइड. आप भूटान का ही बाइक अगर ले जाते हैं तो आपको गाइड लेना ही पड़ेगा. एटलीस्ट आप किसी भी तरह से आप वो जो एस्कॉर्ट वाला गाड़ी है उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज एक छोटा सा अपडेट था भूटान के लिए, और इसके आगे लगभग और ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, एक और चीज़, रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड बहुत ही कॉमन है.
हालांकि लैंडस्लाइड होता है तो रोड रिपेयरिंग शुरू हो जाता है बहुत ही एट द अर्लीस्ट, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर ब्लॉक हो जाए. सो आपके पास गाइड रहेगा, उतना अभी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके देगा. अगर आखिर आप पैसा किस लिए देते हैं, इसलिए इतना दे रहे हैं. सो एक साइड से अगर आप देखेंगे, ये एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है. यस, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको ये क्या लगा? पैसा का तो यार बहुत खर्चा हो गया पैसा. भूटान ट्रिप मतलब बहुत हेवी ट्रिप होगा. और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा. एंड उसके साथ ही भूटान को क्या यह स्टेप लेना चाहिए था इंडिया के बाइकर्स के लिए, या फिर नहीं, या फिर यह कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो विद दैट सेड, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना. दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे. Bye-bye.